अच्छा अब हम ये निकालते हैं ये फूड फैक्ट्री, ये देखो अभी ये तो बहुत छोटा सा है यार, गट्टे फंसाए हुए हैं। ये मैं कहूँगा बहुत ही बेकार पैकेजिंग है, क्योंकि एक डिब्बा खोला गया वापस से रीपैक किया गया, ये कंपनी की पैकेजिंग नहीं हो सकती। आप देख सकते हो गट्टे यार, ये इनफैक्ट पूरे गट्टे डाले गए हैं, लेकिन यार ये इसको वापस से खोल के पैक, ये कंपनी की पैकिंग क्या है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ये फूड फैक्ट्री की। जी हाँ दोस्तों, जो कि जैसे कि आप यहाँ मुलाजा फरमा सकते हो, ये 11-in-1 फूड फैक्ट्री है। जी हाँ दोस्तों, 11-in-1 बहुत ही मैसिव है ये फूड फैक्ट्री, इसमें चॉपर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, जूसर, दुनिया की हर चीज़ है भाई। तो आए हम देखते हैं भाई कैसा है ये फूड प्रोसेसर, क्या है ये वर्थ इट है अपनी प्राइस में, और क्या आपको डेली यूज़ में ये अच्छा लगता है, यानी फूड प्रोसेसर क्या ये यूज़फुल है। बाय द वे ये टेबल पे फुल आ भी नहीं रहा है, तो आए हम इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसकी हर बारे में हर एक चीज़ से खोल के रख देते हैं आपको, कि अगर आपको ये डेली यूज़ पर अगर चाहिए तो ये आपको कितने का पड़ेगा, क्या ये यूज़फुल है यानी क्या ये ब्लेंडर सही से कर रहा है, चॉपर सही से कर रहा है यानी गोश्त वगैरह को, हर चीज़ हम लाइव टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे आपको, हर चीज़ खोल के रखने वाले हैं इसके साथ। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम भाई हसन है, आप देख रहे हैं फूड टैग, और ये देखिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम इसका आपको हर चीज़ खोल के रखने वाले हैं। ये आप देख सकते हो टेल पे फुल आ भी नहीं रहा है। बाय द वे जो इसकी जो प्राइस है वो मैं यहाँ पे कहीं शो कर दूंगा, और ये मैंने Draz.pk से बाई किया है, तो Draz की जैसे 12-12 सेल आई हुई थी, तो मैंने सोचा ये घर के लिए फूड फैक्ट्री जो है ये ऑर्डर कर दी जाए। फूड फैक्ट्री जो है ये तकरीबन 11-in-1 है, इसमें हर चीज़ है तकरीबन, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, ब्लेंडर वगैरह वगैरह। तो भाई ये जल्दी से फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, टाइम काफ़ी लगने वाला है। तो अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, क्योंकि यार इन वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है, हर चीज़ लाइनअप पे लगानी पड़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना मुझे, Ashfortech के नाम से, Ashfortech पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी अपडेट आती रहती मेरी और फेसबुक पे भी। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जी दोस्तों, जैसे फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। भाई आप बोल लोगे भाई स्टार्ट ही नहीं हो रही इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई यहाँ पे मेरा एड्रेस वगैरह रखा हुआ है, इसी मैं हाइड कर देता हूँ, और हर जगह भी फ्रेजर रखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। तो अपना शार्प ब्लेड ले लेते हैं, उसके जल्दी से अगर हम खोल लेते हैं पैकेज को, देख के खोलना पड़ेगा क्योंकि चांसेस हैं इसको रिटर्न करने के भी अगर सही नहीं निकलती है तो। पैकेजिंग ओवरऑल जब भी सही लग रही है, अभी देखते हैं जल्दी से खोल कर क्या आता है भाई, कैसा है। मैंने खुद वैसे बाय द वे मैंने नहीं देखा आज तक, मैंने ऐसे चैनल पे मैंने ब्लेंडर, जूसर, चॉपर, जूसर वगैरह वगैरह की भाई अनबॉक्सिंग नहीं की है, फर्स्ट टाइम है। और इतना बड़ा बॉक्स ही मैंने की भी नहीं है, आई थिंक सो मैंने की है इतने बड़े बॉक्स ही, लेकिन वो प्रिंटर या फ़ैन की थी, बल्कि नहीं मैंने फ्रिज की मैंने अनबॉक्सिंग की थी। हाँ, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट वीडियो है जो कि इतनी बड़ी बॉक्स ही मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इस वाले चैनल पर। चारों तरफ से टेप है यार, और टाइम मज़ीद लगेगा जब तक हम आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और भाई क्या चल रहा है आजकल, कैसा मौसम चल रहा है आपके, सर्दी चल रही है, गर्मी चल रही है, खिजा चल रही है, बाहर चल रही है, साइड से फाड़ रहा हूँ इसको, कैमरे पे शो नहीं होगा। इतना बड़ा बॉक्स है कैसे शो कराऊँगा, टॉप एंगल अगर होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन उसके पैसे होने चाहिए। भाई ये देख लो आप, थोड़ी सी अभी वेस्ट पॉइंट का है, थोड़ा सा आपको पता चला है। अभी आप और खोलते हैं इसको बॉक्स को। तो भाई अब ये खुल चुका है, अब हम इसको बॉक्स को नीचे से निकाल देते हैं और प्रोडक्ट को अलग कर देते हैं, अगर ये हो जाए आसानी से। टेबल की हमने ऐसे की तैसी मार दी, वे भाई अनबॉक्सिंग के लिए जान होनी चाहिए। तो ये जो मेरे पास है, मजाक कर रहा हूँ, अभी व्लॉग मैं डालूँगा जिम का, तो वो भी आपने देखना लाजमी, वो हसन मुकीम व्लॉग्स में मैंने डाला है, एडिट पे बाकी है, व्लॉग बना लिए, तो उसमें आप देखना है कि मैं जिम में क्या क्या करता हूँ। तो भाई ये आ गई है वेस्टर्न की फूड प्रोसेसर 7-in-1 है, ये आप देख सकते होगा कैमरा मैन भाई हमारा शो कर दे। 7-in-1 मेन्यू में मल्टी फंक्शन है, किचन रोबोट है भाई, 800 वॉट की इसकी हैवी ड्यूटी मोटर मशीन है, कैपेसिटी आपने देख ली है, बाकी भी चीज़ें मैं यहाँ पे शॉर्ट्स में डाल लूँगा, ठीक है। बल्कि ये लो यार, शॉर्ट्स की ज़रूरत ही है,
तो ये आप देख सकते हो, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, ड्रायर, जिंजर एंड वेजिटेबल कटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हो, पूरी इसमें पिक्चर बनी हुई है, ये चीज़ें निकलेंगी इसमें, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। तो इसको खोलते हैं, ये प्राइस में से काफ़ी अच्छी मिल गई थी, मैंने जैसे कि मेंशन किया। यार भाई कैमरे में मैं कैसे शो करूँ पूरा टवर डब्बा, टॉप एंगल लाजमी होता भाई। ये हमारा डिब्बा खुल चुका है फाइनली, ब्लेड का काम खत्म हो गया यहाँ पे। बेचारा ब्लेड भी कह रहा होगा तुमसे ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ। भाई ये वारंटी कार्ड निकलता है साइड से, ये 1 ईयर की वारंटी है, 2 ईयर्स की वारंटी जो है इसमें पता नहीं क्या लिखा है भाई, पॉज करके पढ़ लो, मेरे को नहीं आ रहा, आगे मेरी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको करते हैं साइड में, ये भी निकला है भाई, पता नहीं भाई क्या का सामान, लेकिन प्लास्टिक का ही सारा सामान जो है प्लास्टिक है, इसमें कोई भी स्टील वगैरह शामिल नहीं है। स्टील अगर आप लोगे तो 25,000 क्रॉस कर जाती है फूड फैक्ट्री, कोई भी आप लोग। पैकेजिंग जो है मैं दिखा दूँ मैं आपको, पैकेजिंग देख लो आप कैसी है, गट्टे फंसाए हुए हैं। ये मैं कहूँगा बहुत ही बेकार पैकेजिंग है, क्योंकि ये डिब्बा खोला गया वापस से रिपेयर किया गया है, ये कंपनी की पैकेजिंग नहीं हो सकती। ये आप देख सकते हो गट्टे, ये इनफैक्ट पूरे गट्टे डाले गए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि गट्टे डाले हैं, इसको सेफ्टी किया है, मैनेजर किया है ताकि ये हिले डुले नहीं। फिटिंग की है ये तो हमें पता है पैकिंग का, कैसे पैकिंग करते हैं, तो पैकेजिंग तो अच्छी की है, लेकिन यार ये प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी नहीं है, कैसे गट्टे डाले गए हैं, और गट्टे तो डाले हैं चलो, लेकिन यार ये इसको वापस से खोल के पैक, ये कंपनी की पैकिंग क्या है, यानी कि ये तो फिर डीलर का ये तो सब मार्जिन होगा तभी जो उसने फिर ये किया ऐसा। ओके ये तो काफ़ी इंडिविजुअल पैकिंग की गई है, अबे कितना कचरा निकला है भाई, टॉप एंगल अगर हम दिखा दें, कचरा भाई कचरा, ये देखो दिख रहा है आपको कचरा, नीचे भी गिराया भाई मैंने, आगे पीछे भी है कचरा, और भी मजीद निकला है भाई। इंडिविजुअल पैकिंग की गई है, पैकिंग भी सही नहीं की गई, थर्माकोल की शीटें डाल देते हैं यार कसम से, 100 रुपये की आती है, बाकी और भी कचरा है भाई इसके अंदर, अभी और भी कचरा है भाई, कचरा निकालते हैं ठीक है, तो फिर हम अपनी फूड फैक्ट्री को निकाल पाएंगे कचरे के बाद। तो भाई ये सारा कचरा हमने निकाल, बल्कि नहीं यार ये और कचरा भाई, भाई ये देख लो, खुदा को मानो इतना कचरा तुमने भेज दिया इसके साथ, इससे हमको की शीट डाल देते यार खुदा के वास्ते। अच्छा अब हम ये निकालते हैं ये फूड फैक्ट्री, ये देखो अभी ये तो बहुत छोटा सा है यार, तो मैंने जो देखा था ये उस साइज़ का तो नहीं है, काफ़ी छोटा सा साइज़ है, चलो साइड साइड में रखते रहते हैं, ताकि जो है ये हमारा पता नहीं क्या निकला, ये शायद वेजिटेबल कटर है, ये चीज़ें हैं। अरे भाई क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, एक सेकेंड मैं आपको सही से दिखाऊँ, अरे मैं तोड़ दूँगा, कैमरे को रखना ही पड़ेगा। ये चीज़ है, ये जो है इसमें पूरी जो है फैक्ट्री, इसमें पूरा जो है ये निकाल लेते हैं। तो भाई ये इसमें जो है पूरा, ये आप देख सकते हो पूरी मशीन है इसमें, जो 800 वॉट की मशीन है वेस्टर्न का, और इसी में जो है ये आप देख सकते हो जूसर, ब्लेंडर है इसमें, जूसर ग्राइंडर कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, जिंजर ग्राइंडर तो छोटा वाला होता है, इसको भी रखते हैं साइड में यार, ये जूसर का आ गया तो इसको भी रखते हैं साइड में, ये पता नहीं क्या है भाई, ये लग रहा है ऊपर से डालते हैं ना उसको पुश करने के लिए, ये गिलास है, अच्छा ये गिलास जो है प्लास्टिक का, प्लास्टिक का साइड में रखते हैं, ये ऊपर का होगा मुझे लग रहा है ग्राइंडर का, और ये है कप मेजरिंग का, मेजरमेंट का, ये इसका काम है, इसके लिए मैंने लिया था ये, या आप देख सकते हो जो कि गोश्त ब्लेंडर करता है, जिसके कबाब वगैरह बनते हैं, शामी कबाब, चपली कबाब, सीख कबाब वगैरह वगैरह। तो भाई ये इतनी सी चीज़ के लिए मैंने इतने पैसे खर्चे, और ये इतना छोटा है कसम से, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, देख लो इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, इसको साइड में कर दिया हमने, और अपने सारे आइटम को ले लेते हैं, ये भी है, जूसर भी है,
तो एक एक करके इसको खोलते हैं। सही फ्यूजर की क्वालिटी आप देख लो कैसा है इसके अंदर। जिंजर वाला है भाई, ये जिंजर वाला दे दिया है इसमें चॉपर, और ये जूसर ब्लेंडर है सर चॉपर है। इसकी जो क्वालिटी है प्लास्टिक है, नॉर्मल क्वालिटी है, तो ज़्यादा मैसिव अच्छी नहीं है। इससे अच्छे अच्छे भाई मेरे पास है, मेरे पास तो ग्लास वाले भी हैं जूसर, इसमें मैं जूस बनाता हूँ। ये है ये आप देख सकते हो, ये पूरी मशीन है। जैसे इस वाली मशीन पर सारे एक्सटेंशन लगेंगे वैसे। सही है, अगर कैमरा मैन में शो नहीं हो रहा है भाई जान, इस वाली मशीन में सारे एक्सटेंशन लगेंगे जो भी आप देख रहे हो ये वीडियो में। तो ये इसके ऊपर लगा दीजिएगा, ये खोल दिया भाई। ये लेवर सिस्टम है इसमें, ये आप देख सकते हो इसमें लेवर सिस्टम है, और इसमें जो है ये जूसर का होता है ये। अब इसमें जो है जूसर, आप जूस ऊपर डालोगे फल फ्रूट वगैरह तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी जूस निकलेगा। तो वो उसके सारे एक्सटेंशन थे जो छोटे छोटे थे। तो ये सी ये मशीन अलग हो जाती है। तो ये मशीन अलग होने के बाद फिर ये वेजिटेबल चॉपर और जो ब्लेंडर है वो उसमें ऐड होगा। ये आप देख सकते हो, इसकी क्वालिटी भी मैं दिखा देता हूँ। ये है भाई जान इसकी क्वालिटी, ये भी टोटल इसका प्लास्टिक है, और ऊपर जो आप वेजिटेबल डालोगे इसको पुश करोगे तो ये वेजिटेबल्स कट होती रहेंगी और इसमें आती रहेंगी कंटेनर में। जैसे ही फुल जाएगा फिर आप इसको अनपैक करके अपनी वेजिटेबल चॉप वाली निकाल लोगे। तो ये थी भाई फूड फैक्ट्री 7-in-1 थी ये। तो अब हम इसको थोड़ा टेस्ट करके भी आपको दिखा देंगे, अगर शॉर्ट्स होए तो डाल दूंगा मैं, वरना ऐसे भाई। यही थी भाई फूड फैक्ट्री, आई होप कि आपको ये दिखा होगा अच्छा रिव्यू और अच्छी सी वीडियो। आपने जो मुलायजा फरमाई है उसके लिए ये फ्री की वीडियो थी। तो सब्सक्राइब कर लो भाई हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जब भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, एच4टेक। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।